हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र करता है, आपको कौन कौन से कोर्सेज ऑप्ट करने चाहिए, एडमिशन प्रोसेस क्या है और इसका रिकॉग्निशन क्या है, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को फिल कर सकते हैं या नहीं, तो इन सब के ऊपर हम बात करेंगे. So we talk about Guru Gobind Singh Indraprastha University. So it is a state university that is situated in Delhi. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं, मैम ये तो स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली में बेस्ड है, तो क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? सो द आंसर इज ले सकते हैं, बट जो वेटेज है वो दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है, दैट इज़ 85% और जो रिमेनिंग सीट्स हैं दैट इज़ 15% वो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए है. आई होप सो आपको ये डाउट क्लियर हो गया हो. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो यूपी के हों, एमपी के हों, कि वो इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे. आपको डेफिनेटली फिल करना चाहिए. 15% तो है ना. देन वी हैव इट्स रिकॉग्नाइज्ड, सो दिस इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय NAAC UGC. नाउ वी टॉक अबाउट द कोर्सेज. सो बीटेक है, बीआर है, बीआर में एडमिशन लेने के लिए आपको नाटा का एग्ज़ाम देना पड़ेगा. बीटेक में एडमिशन लेने के लिए जेई मेन का एग्ज़ाम देना पड़ेगा. इसी तरीके से एमबीबीएस का एग्ज़ाम देने के एडमिशन लेने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा. अब बात यह आती है कि ऐसे डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप एडमिशन ले सकते हैं बाय जस्ट सिंपली क्लियरिंग IPUCET एग्ज़ाम. CET दैट इज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आईपी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराता है. तो वो कुछ कोर्सेज ये हैं, दैट इज़ BSc नर्सिंग जो कि 4 साल का कोर्स रहेगा. देन वी हैव BSc योगा. जो लोग भी योगा में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो BSc योगा इधर से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं. BSc MLT जो लोग भी चाहते हैं मैं BMLT के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट कर देना. देन वी हैव BSc ऑडियोलॉजी एंड स्पीच. बहुत कम लोगों को इस कोर्स के बारे में पता है. ये 4 साल का कोर्स है, ठीक है. तो इसको मैं हिंट दे देती हूँ इस टॉपिक के ऊपर. प्रीमेच्योर जो बेबीज़ होते हैं, आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है प्रीमेच्योर बेबीज़ की, ठीक है. तो प्रीमेच्योर बेबीज़ में क्या होता है, हेयरिंग प्रॉब्लम होती है उनको. मोस्टली प्रॉब्लम देखा है लिप क्लेफ्ट रहता है उनका, ठीक है. तो उसमें जो हेयरिंग प्रॉब्लम होती है और जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है. और तो हम हेयरिंग एड्स लगाते देखते हैं, मशीन लगाए हुए हैं वो लोग, तब उनको सुनाई देता है, हेयरिंग एड्स जिसे हम कहते हैं. तो ये कोर्स इसी चीज़ों के ऊपर है. तो आपको हिंट लग गया होगा ये कोर्स एक्चुअली है क्या, ठीक है. तो ये 4 ईयर का कोर्स है. देन वी हैव BPO जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, दैट इज़ बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स. देन वी हैव BOT ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्स. देन वी हैव BCA, BCom, BBA, BA. इनमें से आप किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं. देन वी हैव BHM CT दैट इज़ होटल मैनेजमेंट कोर्स. इसी तरीके से BEd में एडमिशन लेना है, BLLB में लेना है और डिफरेंट कोर्सेज हैं, ठीक. अब हम यहाँ पर बात करते हैं एडमिशन 2021-2022 की. तो लिंक एक्टिव हो चुकी है और लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की 15 जुलाई. मैं सजेस्ट यही करूँगी अभी से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दो. और कहाँ से फिल करना है, कैसे फिल करना है, तो ipu.ac.in मैंने ये मेंशन किया हुआ है. ये आपको टाइप करना है तो इनकी वेबसाइट खुलकर आ जाएगी. जब वेबसाइट खुलकर आएगी तो नीचे कॉर्नर साइट पर एडमिशन 2021-2022 मेंशन होगा, उसे आपको क्लिक करना है. उसको क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एक बॉक्स खुलकर आएगा, एक या तो नया पेज, हाँ नया पेज खुलकर आएगा. तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन जैसा कुछ दिया होगा. उसके नीचे जस्ट नीचे रेड कलर या पिंक कलर का दिया होगा, दैट इज़ न्यू रजिस्ट्रेशन. वहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना है. फिर बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो कुछ भी पूछें, आपका नाम, आपका ईमेल, वो सारी चीज़ें आपको फिल करनी है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी. आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और यूज़फुल रहा होगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आईपी यूनिवर्सिटी. थैंक यू सो मच.